छवि है. छवि, और ये आपके बेटे, इनका क्या नाम है? इनका नाम आलोक है. आलोक, और आपका क्या नाम है? नमस्कार, मैं विकास राजवर, मैं झारखंड से हूँ. जी जी जी. अच्छा, हस्बैंड वाइफ हैं आप लोग, आपका बेबी है जी. इनको क्या दिक्कत हो गई थी बच्चे को आपके? मैम, ऐसा था कि जब ये हमारा हमारी मैडम जब डिलीवरी में थी तो 8 महीने में पता चला कि बच्चे को ब्रेन में पानी है, और इसलिए हमने काफ़ी परेशान थे बाय बर्थ की अब आने वाले समय में क्या होगा इनके साथ में. तो उसी प्रॉब्लम था, और हम लोगों ने इसका इलाज काफ़ी जगह ढूंढा लेकिन इलाज कहीं मिला नहीं. जी, जी, जी. और फिर हमें एक आशा किरण आपके यहाँ दिखी जी, जी. तो हम आपके यहाँ पहुँचे हैं. जी, जी जी. बच्चे को क्या दिक्कत होती थी आपके? बाय बर्थ में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो इसका सिटी के आधार पर जो देखा गया उस पर जो जिसमें बर्थ हुआ, और बर्थ के सेकेंड दिन में ही जो देखा डॉक्टर से, उन्होंने बताया कि यहाँ पर पूरे बच्चे को सिस्ट है और पानी है. जी 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 जी. अच्छा, ये ले, ये ले. अच्छा, सिस्ट है और पानी है ये बताया था. अच्छा अच्छा. और उसका कुछ राइट हैंड और राइट लेग में भी नहीं? जब ये कुछ और बड़ा होने लगा तो बचपन में तो पहले जैसे नॉर्मल बच्चों की तरह वो करवट लेके नहीं पाता था, जैसे और सब बच्चे 1.5 महीने में करवट ले लेते हैं, वो सब नहीं होने लगा. जो नॉर्मल बच्चे के साथ होना चाहिए था इनके साथ ये नहीं हो रहा था. हम लोग काफ़ी परेशान थे कि आखिर ये क्यों हो रहा है. तो हमने फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, एलोपैथी के डॉक्टर से. तो उन और हम ये सही कि हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पर सीनियर डॉक्टर जो थे सर्जन न्यूरोसर्जन, वो उन्होंने बोला कि इस बच्चे को एक ही तरीका है ठीक करने का, ऑपरेशन और संट लगा के. संट लगा के. जी जी. तो हमारा बच्चा तो ऐसे हर चीज में नॉर्मल है. अब है कि इसमें संट अगर बैठा दिया जाए तो बच्चा तो विकलांग ही हो जाता जी, है. जी, जी, उसको संट चेंज करना पड़ेगा. जी जी. उसके बाद फिर हमने हम लोग हॉपलेस हो गए थे, लेकिन फिर यूट्यूब में हमने मतलब कि आपका वीडियो देखा, इसकी वजह से कई बच्चों को हमने देखा तो हमें लगा कि कुछ उम्मीद जागी हमें भी. फिर इधर हमने फ़ोन किया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ इसका पॉसिबल है, आप यहाँ आइए रिपोर्ट्स वगैरह लेके. हम लोग जनवरी में यहाँ आए. ये ले लिए बाबू, ये ले लें, ये ले लें. हम लोग यहाँ पर जनवरी में आए. आने के बाद में सर से मिले. हाँ. आप लोगों से मिले. जी, जी. और सर ने काफी पॉजिटिव रिपोर्ट देखा. जी, और हमें बताया कि डरने वाली कोई बात नहीं है. भले इसका एलोपैथिक में इलाज ना हो लेकिन होम्योपैथी में इसका प्रॉपर इलाज है. जी, जी. और एक आशा किरण दिखी आपके यहाँ संस्था में आने के बाद. जी, जी. और हम यहाँ से हमारा मेडिसिन चल रहा है ना. अभी हमारा बच्चा काफी पहले के तुलना में काफी बेटर है. जिस तरह से और बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह हरकत करना शुरू किया है, और दाहिना हाथ भी लगभग काम करना शुरू किया, जो उभार था वो भी कम हो गया. जी. और रिपोर्ट्स भी काफी पॉजिटिव लग रहे हैं. बच्चा पूरी बातें समझ भी लेता है आपका. जी, जी. बातें तो करते ही तो देख ही रहे होंगे कैसा जी. है बातें भी करता है, अपने से चलता भी है, भागता भी है, दौड़ता भी है. जी, जी, है ना. और मुस्कुरा भी देता है कभी कभी, है ना. जिद्दी भी है ना. और सब चीजें अपना जो इसका राइट में जो वीकनेस थी जो नहीं कर पा रहा था, अब ये खुद से काफी मूवमेंट कर लेते हैं, है ना. दोनों हाथों का अभी भी कोऑर्डिनेट कर रहा है. यहाँ आने से पहले ये बच्चा हमारा मतलब कि चलता नहीं था, अपने मतलब कॉन्फिडेंस से नहीं चलता था. उंगली पकड़ के ही, मेरी उंगली पकड़ के ही चारों तरफ ये चलता था. यहाँ की दवाई मतलब चलने जैसे जैसे लगी तो उसके 20-25 दिन अच्छा बाद ही अपने पैरों पर खड़े होकर खुद ही भागने लगा, बिना सपोर्ट. और इस दवा का सबसे अच्छा मैं बता देता हूँ क्या था, कि हमने यहाँ जी हम लोग 16-17 तारीख को आए थे जनवरी में. जी, जी, जी. और ये विश्वास नहीं करेंगे, ये 1 फरवरी से चलने लगा. 1 फरवरी से चलने लगा थे. और घर में जैसे होता है बच्चों को वॉकर वगैरह दे देते हैं, उसका जरूरत ही नहीं पड़ा. उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी. अपने इनका जो आईक्यू लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल इस दवा की वजह से इतनी बढ़ गया कि जो बच्चा समझिए कि साल भर 1.5 साल से चल नहीं रहा था. हाँ. बिल्कुल सहारे पे चलता था. जी, जी. वो 15 दिन पर ही चलने लगा. 15 दिन में अपने आप चलने लगा. जैसे कि बच्चा और सब चलता है वैसे. हाँ. नहीं जैसे हमने भाई उन्हें नहीं. हाँ, अब अपने से चलने लगा, खुद से बिना आपके सहारे लिए खुद से चलने लगा. ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था यहाँ की मेडिसिन में. ये इसी से एक होप और जागी कि अभी और मेडिसिन मिल जाएगी. हाँ, कि और शायद ये दवा और काम कर रहा है. और कुछ कुछ एक्टिविटीज थी जो वो दवाई चलने के बाद वो
समाप्त हो गई, वो भी समाप्त हो गई। इस समय ये कितने बड़े हैं, कितने साल, दो साल एक महीने के ये हो गए, दो साल एक महीने के हो गए हैं। अपने से खुद से चल भी लेते हैं, खूब बातें भी करते हैं, जिद भी करते हैं, जी जी है ना जी, फोन पर बातें भी करते हैं और तुरंत पकड़ लेता है, कैच भी करता है किसी की बात को, तुरंत कैच कर लेता है कि हाँ ये करना है। और मतलब ये समझिए कि दवा हमने अभी तीन डोज ही चलाई है, तीन डोज भी चलाने के बाद में ये बच्चा समझ लीजिए कि और बच्चों जैसा करने लगा। हाँ हाँ जैसा, और पहले क्या था कि मतलब हमको लगता था शायद मेरा बच्चा नॉर्मल बच्चे की तरह उनके लेवल में नहीं आ पाएगा, लेकिन अब तो लगता है कि उससे कहीं ज्यादा चला गया है, ज्यादा ही चला गया है। और ये होता भी है, ये वो बच्चे होते हैं जो अपनी रिपोर्टों को भी मात दे देते हैं। इनकी रिपोर्ट में भी था बच्चे के 50 mm से प्लस इनकी यहाँ पे सिस्ट थी अपने फ्रंटल एरिया में, पीछे वेंट्रिकल भी जरा गड़बड़ हुए थे, कॉर्पस कलोसम भी इनका एजेनेसिस आ रहा था। सारी चीज़ों को इस बच्चे ने सब झूठला दिया है, इसकी सब मेडिकल रिपोर्ट को बिल्कुल ये रिपोर्ट का सच मानेंगे या बच्चे को सच मानेंगे। ये रिपोर्ट जब हुई थी तब बच्चे की हालत सही थी भी नहीं, ये भी बात सच है, ऐसा नहीं था उस समय, उसको बैलेंसिंग भी नहीं हो रहा था, राइट साइड नहीं हो रहा था। अब हमारा बच्चा हर चीजें कर भी लेता है। आपको दिखा देते हैं, इसमें बैंगलोर भी इसको मना कर दिया था, देखिए इसमें रिपोर्ट स्पष्ट कह रहा है कि बैंगलोर इसको मना कर दिया था, बैंगलोर में मना कर दिया था, रमैया हॉस्पिटल भी इसको मना कर दिया था, ये ESI बैंगलोर भी इसको मना कर दिया था कि हमारे पास में इसका कोई इलाज नहीं है, इलाज नहीं है। हाँ, आप इस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही करवा सकते हैं, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। और एक्चुअली इनकी भी कोई गलती नहीं है, एलोपैथी में इसका यही ऑपरेशन और शंट ही इलाज होता है, कोई भी दवा है भी नहीं अगर आप दवा एलोपैथी में मानेंगे। होम्योपैथी क्योंकि जड़ों पे असर करती है, ये वैसे भी एक जन्म दोष माना जाता है, तो इसे जड़ों पे असर करके कि क्यों हुआ अच्छे से अगर केस टेकिंग दी जाए तो चीजें इतने ही प्यारे प्यारे आते हैं। अभी इन्हें कोई शंट भी नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है और बच्चा अपना आराम से चल फिर रहा है। क्यों है? इसमें मैम सबसे अच्छा कहना चाहेंगे और लोगों को भी जानकारी देना चाहेंगे कि सर ने काफी अच्छा कोऑपरेट किया। मैं जब बैंगलोर में था मैं फोन किया, डॉक्टर वहीं से फोन किया था कि सर अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ और मुझे क्या करना है, तो सर ने कहा देखो डिसीजन आपको लेना है, तो आप एक बार हमारे यहाँ फिर आप बैंगलोर चले जाना, जब ठीक ना हो तो बैंगलोर चले जाना। सर को मेरा काफी, सर आज आपके वजह से हमारा बच्चा सर काफी नॉर्मल हो पाया। जी मेरे पास सर शब्द नहीं है, कोई बात नहीं। और ये बहुत अच्छी बातें हैं, हमको भी बहुत खुश है कि आपका बच्चा इतना अच्छा, इतना अच्छे से काम कर रहा है, चीजें खुद कर रहा है, शैतान हो गया है, सुनता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, दौड़ भाग भी लेते हैं। हाँ। नहीं कोई नहीं, ये होम्योपैथी के परिणाम, होम्योपैथिक चिकित्सा में जो परिणाम आते हैं, तो एक शायर की शायरी में फिर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि जो बात दवा से होती नहीं वो बात दुआ से होती है, लेकिन जब सही दवाई मिलती है तो बात खुदा से होती है। तो जो नहीं होना होता वो भी अगर होम्योपैथी की सही दवा मिल जाए तो वो भी मिल जाता है और हम बहुत कामयाब हो जाते हैं, और ये असाधारण रिजल्ट ये होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में ही मिल जाते हैं। और सबर से अगर होम्योपैथिक चिकित्सा ली जाए तो बहुत अच्छे परिणाम होम्योपैथिक में आते हैं। एक नहीं, कई केसेस में हमने देखा है कि होम्योपैथिक चिकित्सा में अगर पूरी शिद्दत से और समर्पण से अगर इलाज कराया जाए तो आशातीत लाभ होता है। बधाई, अब आपका बच्चा ठीक है, वो सब नॉर्मल हरकतें कर रहा है, ठीक है, टूटू भी कर रहा है, शैतान भी हो गया है ना। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और एक संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के थ्रू से, जो लोग इस तरह से है वो सर के पास आए और मतलब यह इसका आशीर्वाद है कि हमारे सब लोगों को मौका मिले। हाँ, कोई नहीं ऐसे हो, नहीं नहीं आप ऐसे नहीं इमोशनल नहीं, आप बेटा पानी लेकर है ना, नहीं अभी नहीं। और ये अच्छी बातें, थोड़ा हाइड्रोसिफलस बीमारी भी ऐसी होती है, लेकिन ठीक है,
चीजें होती है ऊपर वाला ही अपने मन से करता है, नहीं प्लीज आप ऐसे मत रहिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा है ना, नहीं पानी दे बेटा, ठीक है, नहीं नहीं हाँ ठीक है, थैंक यू आप लोग बिल्कुल, हमें बहुत खुशी है आपका बच्चा ठीक हुआ है ना, नहीं अब सही है, पूरा वक्त हट गया है आपका, प्यारा प्यारा बच्चा हो गया है, ठीक नहीं ठीक है।